दो हिस्सों में काम करता है, एक हार्डवेयर एक सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो हार्डवेयर भी हम पढ़ चुके थे और सीपीयू भी पढ़ चुके थे। हार्डवेयर का ही एक पार्ट है सीपीयू, सीपीयू भी पढ़ चुके थे। तो चलिए हम सीपीयू के अंदर वाला डिवाइस के बारे में पढ़ रहे थे, यानी कि सीपीयू में जो जो डिवाइस लगा होता है वह काम करता है अपने अपने हिसाब से, उसी के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो चलिए एक बार वीडियो को रिविज़न कर लेते हैं, तो हार्डवेयर के बारे में देख लेते हैं। हार्डवेयर वही चीज़ है कि जो कंप्यूटर का कंपोनेंट या जो भी पार्ट हम छू सके, देख सके, उसे हम हार्डवेयर बोलते हैं। ठीक है, और उसी हार्डवेयर में हम पढ़ रहे थे सीपीयू के बारे में। सीपीयू ये चीज़ है जो पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल करता है, अपने जिम्मेवारी पर चलाता है, डाटा को इनपुट करना है, आउटपुट करना है, सारे काम सीपीयू को होता है, उसी हम सीपीयू बोलते हैं। जैसे कि मानव शरीर में मस्तिष्क यानी कि दिमाग सारा का जिम्मेवार होता है, सोचने का या काम करने का या कोई भी निर्णय लेने के लिए मनुष्य का दिमाग जैसे रहता है, वैसे ही कंप्यूटर का दिमाग मानिए सीपीयू। ठीक है, सीपीयू भी एक दिमाग मानिए, तो हम इसे कंप्यूटर का हम एक दिमाग भी बोलेंगे सीपीयू को। ठीक है, उसी सीपीयू में जो जो डिवाइस लगा होता है, यानी कि जो जो विभाग लगा होता है काम करने के लिए, उसी विभाग के बारे में हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हम सीयू के बारे में पढ़ चुके हैं, यानी कि सीयू मतलब कंट्रोल यूनिट, यानी कि जो भी प्रक्रिया डाटा, जो भी डाटा इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग, जोड़ना घटाना, लॉजिक लगाना, डाटा को रखना या डिलीट करना, जो भी प्रक्रिया हो कंप्यूटर में, वे कंट्रोल यूनिट के माध्यम से होता है, यानी कि नियंत्रण विभाग से होता है। ठीक है, सीयू उसी को करता है, यानी कि पूरे डाटा को जिम्मेवार, अपने जिम्मेवारी से रखता है, जोड़वाता है, घटाता है, या जो भी कंट्रोल करता है वह कंट्रोल यूनिट के बारे में। ठीक है, तो हम कंट्रोल यूनिट का डिफिनीशन पिछले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं, आपको देखना हो तो मेरे चैनल पे जाकर कंट्रोल यूनिट के बारे में देख सकते हैं। ठीक है, एएमयू को भी रिवीजन कर लेते हैं। एएमयू का मतलब है मेमोरी यूनिट, यानी कि जो भी डाटा हम कहीं रखें उस जगह को मेमोरी यूनिट बोलते हैं। ठीक है, जैसे एक घर है, घर में एक रूम है, एक रूम में सारे सामान को रखे हुए हैं, तो उसे बोलते हैं ना स्टोर रूम, या कोई डब्बा हो या बक्सा हो या अलमारी हो या पेटी हो या कोई भी बॉक्स हो, उसमें हम सामान रखें तो उसे स्टोर बॉक्स भी बोल सकते हैं। घर में जो रूम है उसे स्टोर रूम भी बोल सकते हैं। उसी तरह जहाँ पे डाटा रखते हैं, यानी कि डाटा प्रोसेसिंग, आउटपुटिंग, इनपुटिंग, जो भी काम होता है वह कहीं एक जगह रखते हैं, उस जगह को मेमोरी यूनिट बोलते हैं। वो उसका रखने का काम, उसको संभालने का काम मेमोरी विभाग का होता है, यानी कि स्टोरेज डिवाइस को होता है। ठीक है, तो हम लास्ट वाले वीडियो को देख रहे थे एएलयू के बारे में। ठीक है, तो एएलयू दो हिस्सों में काम करता है, एक अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। ठीक है, तो हम इसे देख लेते हैं थोड़ा इंग्लिश इसके बारे में एएलयू। ठीक है, तो हम इसे देख लेते हैं इसका इंग्लिश। इट स्टैंड्स फॉर अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ऑल कैलकुलेशन आर परफॉर्म्ड इन एएलयू। द डाटा ऑन इंस्ट्रक्शन स्टोरेड इन द प्राइमरी मेमोरी प्रायर टू प्रोसेसिंग आर ट्रांसफर टू द एएलयू। ठीक है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल मैथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन। यानी कि कहने से ही मतलब हो जाता है, एएलयू का मतलब अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक मीन्स गणना करना, यानी कि जो भी जोड़ना घटाना, गुणा करना, भागा करना, जो भी गणना का काम हो वह अर्थमेटिक करता है। एंड लॉजिक यानी कि जो भी तर्क लगाना हो, लॉजिक लगाना हो, जो भी इंस्ट्रक्शन में, जो भी डाटा में लॉजिक लगा के काम करना हो, उसे हम लॉजिक यूनिट बोलते हैं। तो दोनों को मिला के हम एएलयू बोलते हैं, यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो आप समझ चुके होंगे एएलयू किसे बोलते हैं, कि वह डाटा जो हम जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुना करते हैं, भागा करते हैं, यानी कैलकुलेटर के काम, कैलकुलेटर पर जो काम होता है वे करते हैं, या लॉजिक लगाकर कोई काम करते हैं, उसे हम एएलयू बोलते हैं। ठीक है, तो थोड़ा इसको जो लिखे हैं उसका हिंदी समझ लेते हैं। इट स्टैंड्स फॉर अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, यानी कि इसका अर्थ है अंक गणितीय तर्क इकाई। यानी कि अर्थमेटिक मीन्स गणितीय, अंक गणितीय, लॉजिक
लॉजिक भी बोल सकते हैं या तर्क भी बोल सकते हैं, यूनिट को संगठन भी बोल सकते हैं या इकाई भी बोल सकते हैं, ठीक है। ऑल कैलकुलेशन आर परफॉर्म्ड इन ALU, यानी कि सभी गणना वाला काम, जो भी गणना वाला काम होता है वह ALU में की जाती है, ठीक है। तो आगे देख लेते हैं, द डाटा ऑन इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड इन द प्राइमरी मेमोरी, यानी कि जो भी डाटा का इंस्ट्रक्शन होता है वो स्टोर करता है प्राइमरी मेमोरी में, लेकिन प्रियर टू प्रोसेसिंग आर ट्रांसफर टू द ALU, यानी कि प्रोसेसिंग होने से पहले वह ट्रांसफ़र होता है ALU में, यानी कि जो भी डाटा का इंस्ट्रक्शन होता है या इंस्ट्रक्शन या बोलिए वह नियम बोलिए या लॉजिक बोलिए, वह स्टोर होता है प्राइमरी मेमोरी में, लेकिन वह काम करता है ALU, यानी कि 2+2 जोड़ेंगे तो 4 होगा, तो 2+2+4=4, तो वह पूरा स्टोर है आपको मेमोरी यूनिट में। हम बोले थे आपको तीनों का काम अलग अलग है, तो स्टोर करने का काम हो मेमोरी यूनिट को, अब जोड़ने का काम हो तो ALU जोड़ेगा उसको घटाएगा और जोड़ के वह कंट्रोल यूनिट के पास देगा, ठीक है। तो कंट्रोल यूनिट आउटपुट के रूप में जो उपयोग करता है उसको देगा, ठीक है। तो तीनों का काम अलग अलग है, यानी कि मेमोरी के काम, मेमोरी यूनिट का काम है उसके डाटा को रखना, ALU का काम है जोड़ना घटाना यानी कि गणना करना या लॉजिक लगाना, ठीक है। और उसको सारा काम करके वह कंट्रोल यूनिट के पास दे देता है, वह अपने हिसाब से आउटपुट यूजरकर्ता को यानी कि उपयोगकर्ता को वह आउटपुट के रूप में डाटा को देता है, ठीक है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल मैथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन, यानी कि यह जिम्मेवार है पूरे मैथमेटिक्स यानी कि गणितीय एंड तर्कीय ऑपरेशन के लिए, यानी कि ये सभी गणितीय और तर्कीय संचालन के लिए जिम्मेवार हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे ALU देख लिए, अब इसको देख लेते हैं, यह दो हिस्सों में काम करता है, यानी कि मैथमेटिकल्स ऑपरेशन इंक्लूड, यानी कि गणितीय संचालन शामिल है इसमें, जोड़ना ऐड शॉर्ट में हम लिखे हुए हैं, एडमिस जोड़ना घटाना भाग देना गुणा करना इत्यादि, जो भी गणना का काम हो वह मैथमेटिकल ऑपरेशंस होता है अर्थमेटिक में, ठीक है। और लॉजिक यूनिट, लॉजिक ऑपरेशन इंक्लूड, यानी कि तर्कीय संचालन शामिल है, आपको लेस देन ग्रेटर देन इक्वल ग्रेटर देन इक्वल ETC, जो भी तर्क लगाना हो, यानी कि क्या बोलते हैं उसको, दो हिस्सों में उसे हानि लाभ हानि बताना हो या कंपटीशन कराना हो, उसे हम लॉजिक बोलते हैं। जैसे कोई कलम खरीदने गए तो वह कलम अच्छा है तो हम कलम खरीदेंगे, तो वह अच्छा जो हुआ वह तर्क हुआ यानी कि लॉजिक हुआ, यानी कि कलम अच्छा है इसके वजह से हम कलम खरीदने गए, तो यह लॉजिक, यानी कि लॉजिक के बारे में भी हम पिछले वाले वीडियो में पढ़ा चुके हैं, ठीक है। उसे भी देखना हो तो आप देख सकते हैं। तो लॉजिक थोड़ा सा ही समझ लेते हैं, यानी कि कोई भी हम काम करने जाए वह हमारे काम के लिए अच्छा है, उसमें लॉजिक है कि हम काम करेंगे तो यह अच्छा होगा, इसकी वजह से वह काम कर रहे हैं। यानी कि कलम को लेते हैं, तो हम किसी दुकान में जाते हैं तो कलम खरीदते हैं, तो हम सोचते हैं कि कलम अच्छा लिखता है इसके वजह से कलम खरीद रहे हैं, अगर हम सोचें कि कलम नहीं अच्छा लिखता है तो कलम नहीं खरीदेंगे। तो इसमें लॉजिक है कलम अच्छा होना या कलम खराब होना, ठीक है। तो दो ऑब्जेक्ट को लेके हम कंपेयर करें उससे हम लॉजिक बोलते हैं, लॉजिक ऑपरेशन बोलते हैं। तो हम ALU के बारे में समझ लिए, CU के बारे में समझ लिए, MU के बारे में समझ लिए, यानी कि कंट्रोल यूनिट का काम अपना है पूरे डाटा को कंट्रोल करना, यानी कि पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल करना, मेमोरी यूनिट का काम है पूरे डाटा को स्टोर करना, और ALU का काम है पूरे डाटा को जहाँ ऐड करना हो जोड़ना घटाना या कैलकुलेशन करना हो वह ALU का काम है, लॉजिक भी ALU का काम है, ठीक है। तो हम तीनों को समझ गए, यानी कि CPU क्या क्या हिस्सों पर काम करता है वे हम समझ गए, ठीक है। इसी के साथ वीडियो को लंबा ना करें हम